हेलो फ्रेंड्स, हम लोग यूपी ट्रिपल एसएससी के लिए पीटी का जो पेपर 20 अगस्त को होने जा रहा है उसके लिए हम लोग घटना चक्र 2 सीरीज से ये प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और यह प्रैक्टिस सेट है 7। इसके पहले भी मैं 6 करवा चुका हूँ। टोटल 10 सेट हैं इसमें और 10 के 10 हम लोग देखेंगे। अगर 10 के 10 हमने कायदे से देख लिया तो 2-4 क्वेश्चन तो मिल ही जाना है, नहीं भी डायरेक्ट मिलेगा तो इनडायरेक्ट मिलेगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो करो या मरो का नारा जो दिया गया था वह गांधी जी के द्वारा दिया गया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। और ये कब दिया था, ये जब दिया था भारत छोड़ो आंदोलन जब लागू किया गया था, जब इन्होंने शुरू किया अगस्त में, ठीक है, 1942 में, तब इन्होंने ये नारा दिया था करो या मरो। अगला क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है, तो जिंदा पीर किसे कहा जाता है, जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को। और कब बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि लाख बख्श किसे कहा जाता है, तो लाख बख्श जो कहा जाता है वह किसे कहा जाता है, लाख बख्श कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, गौरी का था। 1206 से लेकर के 1210 तक ये शासन करता है। क्वेश्चन नंबर 3, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया है। तो अलाई दरवाजा का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया, बलबन ने करवाया, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया या फिरोज तुगलक ने करवाया। तो जो अलाई दरवाजा है, अलाई दरवाजा का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत से फैक्ट हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में सबसे बड़ी सेना रखी, इसने सबसे पहले घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की, सैनिकों की हुलिया लिखना शुरू किया, सैनिकों को नगद वेतन दिया, ठीक है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी। तो राष्ट्रकूट साम्राज्य के जो नींव रखी गई है वह दंती दुर्ग के द्वारा रखी गई है। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव दंती दुर्ग। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो हर्षचरित नामक पुस्तक जो है किसने लिखा, आर्यभट्ट ने लिखा है, विष्णुगुप्त ने नहीं लिखा, परिमल गुप्त ने नहीं लिखा, और ये लिखा किसके द्वारा गया है, बाणभट्ट के द्वारा, ठीक है ना। विष्णुगुप्त की जो बुक थी वह क्या था, वह अर्थशास्त्र है। इसी इन्हीं को चाणक्य भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है। गुप्तकाल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था, तो गुप्तकाल में स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था दिनार। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहते हैं। तो एशिया का ज्योतिपुंज जो है ये किसको कहा जाता है, गौतम बुद्ध को कहा जाता है, ठीक है ना। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके पुत्र का नाम राहुल था। और जैन धर्म जो थे महावीर स्वामी, उनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8, शेरे पंजाब के नाम से इसमें कौन मशहूर है। तो शेरे पंजाब किसको कहते हैं, तो लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब कहा जाता है, ठीक है, 8 में सी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में है, गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह कौन था, तो वह वेब मिलर था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है कि जिस विदेशी पत्रकार को ठहराया था तो वह कौन था, वेब मिलर। क्वेश्चन नंबर 10, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे, तो ये कौन निर्वाचित हुए थे, ये हुए थे सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 11, सतपुड़ा और बिंद के बीच कौन सी नदी बहती है। तो सतपुड़ा और बिंद के बीच में जो नदी बहती है उसका नाम है नर्मदा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है। तो बुध जो है ये पहला है, क्योंकि बुध शुक्र पृथ्वी ऐसे हम लोग करते हैं, ठीक। और अगला क्वेश्चन, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी पूछ रहा है, तो यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है वोल्गा है। क्वेश्चन नंबर 14, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो वह किस देश के साथ बनाता है अंतर्राष्ट्रीय लंबी सीमा, यह बनाता है हमारा देश बांग्लादेश के साथ। भारत की बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है। तो भारत का जो सबसे अधिक आर्द्र स्थान है वह कौन सा है, मासिनराम है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, योजना, ये योजना एक पत्रिका है, का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। तो योजना पत्रिका का जो प्रकाशन होता है वह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। योजना पत्रिका सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा।
चलिए, बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? तो रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहते हैं, क्योंकि बैंक अपने पैसे को रिजर्व बैंक में जमा करते हैं, या अगर उनको ज़रूरत है तो बैंक रिजर्व बैंक से ही लोन भी लेते हैं। आइए, हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव क्या पड़ा? हरित क्रांति का जो मुख्य प्रभाव पड़ा वह क्या हुआ? अनाज, गेहूं और चावल पर। और ये सही भी है, सबसे पहले जो पंचवर्षीय योजना थी वो हमारी कृषि पर आधारित है, हमको कृषि के प्रोडक्ट्स को बनाने थे, और द्वितीय भारी उद्योगों पे थी, और जो हमारा हरित क्रांति था उसमें टारगेट क्या किया गया था? गेहूँ और चावल को। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि क्या है? भारत में कब वित्तीय वर्ष प्रारंभ होते हैं? तो 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारे यहाँ वित्तीय वर्ष चलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व व्यापार संगठन WTO में कितने सदस्य हैं? तो WTO में कितने सदस्य हैं? तो उसमें सदस्यों की संख्या है टोटल 164, क्वेश्चन 20 में 164 सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित जो है भाग है वह है भाग दो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? तो यह आती है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, यह किसके अंतर्गत आता है? स्वतंत्रता का अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या सही हो गया? क्वेश्चन नंबर 22 में हमारा सही हो गया कि अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वह किसमें है? वह है स्वतंत्रता के अधिकार में, ठीक है। फिर देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है, खाली जगह, वे संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 से भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था किसके थ्रू की गई? वह 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, यानी जो 2002 में संविधान संशोधन हुआ था वह कौन सा हुआ था? 86। तो 86 संविधान संशोधन जो हुआ 2002 में, उसके थ्रू बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा कर दी गई है 6 से 14 वर्ष के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? तो संविधान में हमारे कितने प्रकार के आपातकाल हैं? हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल हैं, ठीक है, 3 तरह के। उनका जो अनुच्छेद है वह कौन कौन सा है? 352, 356 और 360, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, भारत में खाली जगह, स्तरों में अदालतें होती हैं, भारत में कितने लेवल की अदालतें होती हैं ये जानना चाह रहा है। तो भारत में 3 स्तर की अदालतें होती हैं। ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक जो होता है वह डेसिबल है। क्वेश्चन नंबर 27 में गन मेटल किस मिश्र धातु से बना होता है? तो गन मेटल जो बना होता है वह कापर, टिन और जिंक से बना होता है। गन मेटल किससे बना होता है? कापर, टिन और जिंक से। देखिए, ताजमहल किससे प्रभावित हो रहा है? तो ताजमहल जो प्रभावित हो रहा है किससे हो रहा है? सल्फर डाई ऑक्साइड से, जिसके कारण उसके अंदर पीलापन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 में हमसे पूछा जा रहा है कि खाली जगह की कमी से रिकेट्स का रोग होता है, यानी किसकी कमी से रिकेट्स होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। क्वेश्चन नंबर 30, ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण होता है, ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा टीबी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, दो संख्याओं का गुणनफल 36 है तथा उनका योग 13 है, तदनुसार उन दोनों संख्याओं के बीच का धनात्मक अंतर कितना होगा? तब उनका धनात्मक अंतर कितना होगा? वह होगा 5। क्वेश्चन नंबर 32, एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है, यदि अंश को 2 से घटा दिया जाए और हर को 1 से बढ़ा दिया जाए तो हर अंश का 8 गुना हो जाता है, तो उस भिन्न को बताना है। तो वह भिन्न हमारा क्या होगा? 3/7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 में ये सवाल है और इसका जो आंसर बनेगा वह क्या बनेगा? 1, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में यह है कि एक परीक्षा में अनीता को 31% अंक मिले और वह 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, सुनीता को 40% अंक मिले और उसको आवश्यक उत्तीर्णांक से 56 अंक अधिक मिले, तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों का कितना चाहिए था? तो इसका देखिए आंसर क्या होगा, 34 में हमारा आंसर बनेगा सी, 264। इसमें हम पहले निकाल लेते हैं पूर्णांक, पूर्णांक कैसे निकलेगा? देखिए, अनीता को मिला 31%,
16 अंक कब मिले और सुनीता को मिला 40, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 9%। तो ये जो 9% है, इसको 16 अंक कम मिले, इसको 56 अंक ज़्यादा मिले, तो 16 और 56 कितना हो जाएगा 72, ठीक है ना। ये 9% जो है 72 अंक के बराबर है। तो 1% कितना हुआ 9/72, 1% हुआ 8, तो 100% कितना हुआ, तो 100% हुआ आपका 800। यानी जो ये एग्ज़ाम है टोटल 800 नंबरों का है, ठीक है। अब 800 नंबरों में से आप 40% निकाल लीजिए, तो 800 का 40% कितना होगा, 38 × 8 = 32, यानी 320 नंबर होगा। यानी इसको मिले 320 नंबर, और ये 320 नंबर लेकिन 56 अंक ज़्यादा है, तो 320 से आप 56 अंक घटा दीजिए। तो जब 320 से ये 56 अंक आप घटा देंगे, तो ये हमको क्या दे जाएगा 264, ठीक है। तो इस तरह से ये सवाल आपका लग जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 35। क्वेश्चन नंबर 35 में हमसे क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 में ये कहा कि ए तथा बी द्वारा प्राप्त अंकों का औसत बी तथा सी द्वारा प्राप्त अंकों के औसत से 15 कम है। यदि सी द्वारा प्राप्त अंक 65 है, तो ए द्वारा प्राप्त अंक कितना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सोल्यूशन क्या देखेंगे, इसका आंसर आएगा 35, ठीक है। सोल्यूशन के लिए हम लोग दूसरी वीडियो मैथ ओरिजिनिंग का जो सेपरेट है उसमें देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ केवल हम लोग आंसर देख लेंगे। निम्नलिखित शब्दों को वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो इसमें कौन सा शब्द अशुद्ध है, ये हिंदी का है, आप बताइए कि इसमें कौन सा अशुद्ध है। क्या पुष्पांजलि, क्या निरापराध, क्या भास्कर, या उज्ज्वल। देखिए ये उज्ज्वल तो सही है, इस उज्ज्वल को बहुत टारगेट करिएगा, बहुत लोग पूछा जाता है बहुत बार, और लोग सोचते हैं कि जब पूरा होता है, पहला जब आधा दूसरा जब पूरा, लेकिन नहीं, दोनों जब आधा होता है। इसमें जो गलत है वह है निरापराध, निरापराध, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में है पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो 37 में क्या होगा अपाद मस्तक, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 38, पगड़ी रख घी चक लोकोक्ति का अर्थ क्या है। इसका अर्थ ये होता है कि मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है, पगड़ी रख घी चक मान सम्मान से ही आनंद है, 38 में ए। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही है, यानी कौन सा मिलान सही है। तो 39 में जो सही होगा शिवराज भूषण भूषण, ये गलत। शब्द रसायन देवदत्त गलत। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये भी गलत। और इसमें सही जो होगा वह उद्धव शतक जो है भारतेंदु हरिश्चंद का है, ठीक है। उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 40, सूर्योदय, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद करना है, तो सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, सूर्य प्लस उदय, ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर देखते हैं, ये इंग्लिश का एक पैसेज है, इसको पढ़ करके इसका हम लोग आंसर देखेंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप पैसेज को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 में जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42 में जो सही होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। और क्वेश्चन नंबर 43 में क्या सही होगा, 43 में भी ए होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 44 में आपका सही होगा ए। और मैं इंग्लिश का आखिरी क्वेश्चन 45 में क्या सही हो जाएगा, यहाँ पे सही होगा सी। चलिए रीजनिंग में दिखाया जा रहा है, ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं, 6 वर्ड दिए गए, इनको सीरियल से लगाना है और बताना है कि इसमें क्या सही होगा, ठीक है। परोसना, सब्जी पैक करना, तैयार करना, स्टोर करना और काटना, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो आपके पास होनी चाहिए सब्जी, ठीक है, यानी एक नंबर पे ये होना चाहिए। फिर उसको आप क्या करेंगे, काटेंगे, तो दूसरे नंबर पे आप उसको काटेंगे। फिर क्या होना चाहिए, फिर उसको तैयार करेंगे, ठीक है, यानी ये हो गया तीसरा नंबर। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसको पैक करेंगे, ठीक है, यानी ये हो गया चौथा नंबर। फिर उसको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, और फिर उसको परोस देंगे। इसको स्टोर करेंगे पांचवें नंबर पे और इसको परोस देंगे, यानी जो हमारा ऑप्शन सही होगा वह सही होगा ऑप्शन नंबर सी। स्टोर करेंगे और परोसने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, इसलिए हम लोग इसको ही सही मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है,
ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का भाई है, और ए डिवाइड बी का अर्थ है कि ए बी की बेटी है। तो आपको ये बताना है कि यदि आर प्लस यस इंटू टी माइनस बी डिवाइड बाई यू है तो यस का यू से क्या संबंध है। तो जो यस का यू से संबंध होगा वह होगा बेटे का। चलिए क्वेश्चन 48 देखते हैं। 15 अगस्त 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो 15 अगस्त 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा ये हम लोग बड़ी इजीली जान सकते हैं, है ना। तो 48 में क्या होगा, रविवार। 15 अगस्त 2021 को क्या होगा, रविवार। क्वेश्चन नंबर 49। एक कूट भाषा में यदि सिट्रस को 982154 लिखा जाता है तो यू को 365 लिखा जाता है, तो उसी कोट भाषा में एस यू आर आई टी वाई को क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो हमको देखना है कि यस के लिए क्या यूज हुआ है, तो यस के लिए यूज हुआ है 4। देखिए यहाँ पे यस के लिए यूज हुआ है 4, और यू के लिए क्या यूज हुआ है, तो यू के लिए यूज हुआ है 5, ठीक है ना। तो पहले तो हमारा हो गया 4 और फिर हो गया 5, फिर आर के लिए क्या आया है, आर के लिए जो तीसरा अक्षर है आर के लिए यूज हुआ है 1, तो आर के लिए हमने लिख दिया 1, ठीक आर हो गया। आई के लिए क्या आया है, आई के लिए आया है 8, तो आई के लिए हो गया 8। फिर टी के लिए, टी के लिए आया है 2, तो फिर हो जाएगा ये 2। और उसके बाद यस के लिए क्या हुआ है, तो यस के लिए हुआ है नहीं यहाँ पे वाई, वाई के लिए यहाँ पे हुआ है 3, तो ये हो जाएगा 3। 451823, 451823 ऑप्शन नंबर 451823 ऑप्शन नंबर बी। 49 में ऑप्शन नंबर हो गया बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिर देखेंगे हम लोग, यहाँ पे कुछ कथन है, निष्कर्ष है, और उसमें से मिलाना है हमको। क्वेश्चन नंबर 50 में ये कहा गया कुछ जानवर हाथी हैं और कुछ हाथी बाघ हैं। तो निष्कर्ष देखिए, कुछ जानवर बाघ हैं, ठीक है, ये तो मिल रहा है, कोई भी बाघ जानवर नहीं है, ठीक। तो हमारा जो इसमें निष्कर्ष सही होगा वह क्या सही होगा कि या तो एक या तो दो अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी डी। क्वेश्चन नंबर 51। मई 2021 में अंटार्कटिका के रोन्ने आइस शेल्फ के पश्चिमी हिस्से से विश्व के सबसे बड़े हिमखंड में से एक टूटकर अलग हो गया, वैज्ञानिकों ने इस हिमखंड का नाम क्या रखा है। तो इसका नाम क्या रखा गया है, नाम रखा गया है A76। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 में यह है, जून 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदत्त अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 किस अधिनियम को प्रतिस्थापित करेगा। तो ये 52 में किसको प्रतिस्थापित करेगा, ये अंतर्राष्ट्रीय पोत अधिनियम 1917 को कर देगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 53। जून 2021 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को समिति ने ग्रेट बैरियर रीफ को खतरे में विश्व धरोहर स्थलों की सूची जोड़ने की सिफारिश की। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है, तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। क्वेश्चन नंबर 54। अप्रैल 2021 में अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक्स ने किस पोर्ट बंदरगाह में विश्व समुद्र होल्डिंग की 25% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। तो इसने ये कहाँ किया है, ये किया है कृष्णापट्टनम पोर्ट में। क्वेश्चन नंबर 55 में यह है, मार्च 2021 में संपन्न यूनेस्को ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो ये किसने जीता है 55 में, ली जी जिया ने। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 56। जून 2021 में उखर नागिन खुरेल सुख किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो ये कहाँ के चुने गए हैं, ये मंगोलिया के चुने गए हैं। जून 2021 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश पहले स्थान पर था। तो शांति में जो देश सबसे पहले नंबर पे होगा कौन सा है, आइसलैंड। क्वेश्चन नंबर 58। भारत ने वित्त वर्ष 2020-21 में अब तक का सबसे अधिक FDI प्रवाह आकर्षित किया, यह FDI प्रवाह कितनी राशि है, ठीक है ना। तो ये जो कितनी है 58 में हमारा, $81.72 billion। क्वेश्चन नंबर 59। 12 से 16 जनवरी 2021 के मध्य 24वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया, इस वर्ष इस महोत्सव का मुख्य विषय क्या था। तो इस वर्ष इस महोत्सव का जो मुख्य विषय था, युवा उत्साह नए भारत का। फिर क्वेश्चन नंबर 60। वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है।
तो वर्ष 2020 का जो बुकर पुरस्कार मिला है वह मिला है डगलस स्टुअर्ट को। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित त्योहारों में से किसका अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स है, मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स है, तो इसलिए किसका अर्थ होता है, लाई हरोबा का। क्वेश्चन नंबर 62, टेस्ट ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, तो टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसने लिखा है, युवराज सिंह ने लिखा है, ठीक है ना। और वीरेंद्र सहवाग ने एक क्रिकेट के लिए कोचिंग शुरू किया, ये भी याद रखिएगा, क्रिकेट के लिए कोचिंग किसने शुरू किया है, वीरेंद्र सहवाग ने शुरू किया है। चलिए, भारत में डेयरी रिसर्च सेंटर कहाँ है, डेयरी रिसर्च सेंटर जो है ये करनाल में है, 63 में एक। और प्रथम भारत रत्न किसे मिला था, 64 में आपको ये बताना है कि प्रथम भारत रत्न किसे मिला था, तो ये मिला था जवाहरलाल नेहरू को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 65, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बताइए कब मनाया जाता है, या कब मनाया जाता है, क्या 8 मार्च मनाया जाता है, 15 अक्टूबर, 3 मार्च या 27 जनवरी, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है वह 8 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 में, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो 66 में देखिए कौन सा है, मणिपुर नहीं करता, त्रिपुरा करता है, असम करता है और मेघालय करता है, और मणिपुर नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 67, तबल चोंगली किस राज्य के लोक नृत्य का रूप है, तो 67 में जो होगा ये क्या होगा, बी असम का है ये। क्वेश्चन नंबर 68, भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई वह क्या कहलाती थी, तो वह क्या कहलाती थी, उसी को हम लोग रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है, विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक यहाँ पे है, वह अपने उत्तर प्रदेश में, लोकसभा में भी अपने यहाँ सीटें, सब चीज़ की सीटें सबसे ज़्यादा यूपी में ही हैं, इतना याद रखिएगा। हरित क्रांति के जनक जाने माने नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के थे, नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के थे, तो ये थे यूएसए के। चलिए, अब देखिए ये हिंदी का एक पैसेज है, इसको हम लोग पढ़ेंगे और इसके आंसर को देखेंगे। जीवन में बहुत अंधकार है और अंधकार की ही भांति अशुभ और अनीति है, कुछ लोग इस अंधकार को स्वीकार कर लेते हैं, तब उनके भीतर जो प्रकाश तक पहुंचने और पाने की आकांक्षा थी वह क्रमशः छीण होती जाती है। मैं अंधकार की इस स्वीकृति को मनुष्य का सबसे बड़ा पाप कहता हूँ, यह मनुष्य का स्वयं अपने प्रति किया गया अपराध है, उसके दूसरों के प्रति किए गए अपराधों का जन्म इस मूल पाप से ही होता है। यह स्मरण रहे कि जो व्यक्ति अपने ही प्रति इस पाप को नहीं करता वह किसी के प्रति कोई पाप नहीं कर सकता, किंतु कुछ लोग अंधकार के स्वीकार से बचने के लिए उसके स्वीकार अस्वीकार में लग जाते हैं, उनका जीवन अंधकार में के निषेध का ही सतत उपक्रम बन जाता है। 71 में देखिए क्या पूछा गया है, गद्यांश में अंधकार शब्द किस ओर संकेत करता है, तो ये किस ओर करता है, अपराधों की ओर। क्वेश्चन नंबर 72, लेखक ने किसे सबसे बड़ा पाप कहा है, तो 72 में लेखक ने जो सबसे बड़ा पाप कहा है, अंधकार को स्वीकार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 73 में यह है कि जब व्यक्ति स्वयं के प्रति किए गए अन्याय शोषण के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाता तो इससे दूसरों के प्रति अन्याय शोषण को बढ़ावा मिलता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा गया कि अंधकार का निषेध किस ओर संकेत करता है, तो यह किस ओर करता है, यह ऑप्शन नंबर डी, यह मानना कि समाज में अन्याय शोषण बुराइयां नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 75, इस गद्यांश का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस गद्यांश का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो 75 में बी होगा, अन्याय और बुराइयों को दूर करने के लिए प्रेरित करना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 75 के बाद हम लोग फिर एक पैसेज पढ़ेंगे, राजनीतिक बहसों की गर्मी में हम जो भी कहें, अपने राष्ट्रीय अभिमान की अभिव्यक्ति में हम जितना भी जोर से खींचें, सक्रिय राष्ट्रीय सेवा के प्रति हम अत्यंत उदासीन रहते हैं, क्योंकि हमारा देश प्रकाश से हीन है, मानव स्वभाव में निहित कंजूसी के कारण जिन्हें हमने नीचा कर रख छोड़ा है उनके प्रति अन्याय से हम बच नहीं सकते, समय समय पर उनके नाम पर हम पैसा इकट्ठा करते हैं लेकिन उनके हिस्से में शब्द ही आते हैं, पैसा तो अंततः हमारी पार्टी के लोगों के पास पहुंचता है, संक्षेप में जिनके पास बुद्धि शिक्षा समृद्धि और सम्मान है, हमारे देश के उस अत्यंत छोटे हिस्से 5% और आबादी के अन्य 95% के बीच की दूरी समंदर से भी अधिक चौड़ी है। तो 76 में हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस पैसेज के आधार पर कि 76 में पूछ रहा है कि लेखक के अनुसार हम कितने किनके प्रति अन्याय करते हैं, तो हम किसके प्रति करते हैं, जो निम्न वर्ग के हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 77,
लेखक के अनुसार हम किनके नाम पर पैसा इकट्ठा करते हैं? तो 77 में हमारा होगा सी, निम्न वर्ग के लोगों की भलाई के नाम पर। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 में लेकिन किनके हिस्से में शब्द ही आते हैं? वाक्य में रेखांकित शब्द किस अर्थ की ओर संकेत करता है? तो यह 78 किधर संकेत करता है? कभी न पूरे होने वाले वादों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79, प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर हमने नीचा रख छोड़ा है किसे? तो हमने नीचा रख किसे छोड़ा है? बी को, निम्न वर्ग को। क्वेश्चन नंबर 80, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि, क्या कहा जा सकता है? कि संसाधनों का असंतुलित बंटवारा वर्ग भेद की खाई को बढ़ाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये 81 के लिए ये पैसेज, ये चार्ट बनाइए और सवालों को देखिए, मैं सिर्फ आंसर बताता चला जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 81 में जो होगा वह ये होगा, सॉल्व करिए और आंसर मिलाइए वीडियो को पॉज करके। 82 में जो होगा वह होगा सही सी, 83 में होगा डी, और 84 में क्या होगा, 84 में होगा बी, 85 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सभी 10 दिनों में खड़ी कारों की कुल संख्या, D9 दिन में खड़ी कारों की संख्या का कितने प्रतिशत, दो स्थान तक आपको बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी होगा डी, डी 86 में आप ये ग्राफ को देखेंगे और क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 में हमसे ये पूछा जा रहा है कि 2012 की तुलना में 2013 के CA, C1 और C4 की संयुक्त बिक्री का अनुपात कितना है? तो 86 में जो होता है हमारा हो जाएगा A। ठीक है, 87, C2 की वर्ष 2012 और 2014 की संयुक्त बिक्री उन्हीं वर्षों में C3 से कितनी ज़्यादा है? तो 87 में सही क्या होगा हमारा, डी होगा। 88 में हम देखेंगे आंसर हमारा क्या बनेगा, 88 में बनेगा हमारा सी और 89 में बनेगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा जा रहा है कि वर्ष 2014 में कंपनी C3 एवं C4 की बिक्री तथा वर्ष 2013 में C1 एवं C2 की बिक्री का अनुपात कितना है? तो यह कितना है, 49:45। ठीक है ना, चलिए ये है चार्ट बनाएंगे और क्वेश्चन देखेंगे। 91 का होगा सी, 92 का भी डी, 93 का जो होगा वो होगा डी, 94 में ए, ठीक है, और 95 में क्या होगा, बी। ठीक है, आखिरी चार्ट इसको भी बनाएंगे और सोल्यूशन देखेंगे। 96 में ए, 97 में क्या होगा, 97 में होगा सी, 98 में क्या होगा ए, 99 में बी और 100 में क्या होगा डी। आज थोड़ा डिस्टर्बेंस ज़्यादा हुआ है, बाकी देखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।